हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल बात कर रहे थे लिमिट चैप्टर के बारे में। तो लिमिट चैप्टर में हमने कल पढ़ा था कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे तो थर्ड मेथड था। थर्ड मेथड क्या था हमारे पास? रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड, इसमें हमने क्या पढ़ा था? जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, तब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं क्या? रैशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, इवैल्यूएशन ऑफ सम स्पेशल लिमिट्स। ओके, तो उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन अप्लाई करने हैं। तो रैशनलाइजेशन मेथड में क्या कर रहा है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लेते हैं कि जब हमारे पास रूट के टर्म आ जाएंगे और हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होगी, रूट के टर्म्स प्लस अन जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही होगी, तब ये कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? रैशनलाइजेशन मेथड। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन है लिमिट x टेंड इनटू 0 रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 अपॉन में x, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम जैसे x टेंड इनटू 0 यहां पर 0 रूट के यहां पर क्या होगा हमारे पास 2 रूट 2 माइनस रूट 2 दैट मींस 0 अपॉन में 0 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे यहां पे रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। रैशनलाइजेशन मेथड क्या होता है, जो रूट है हमारे पास इसी के प्लस साइन लेंगे, बीच में यहाँ पर प्लस साइन लेंगे और उसी से मल्टीपल और डिवाइड करेंगे। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 अपॉन में x, ये क्वेश्चन में है, हमने क्या किया रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 अपॉन में रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, इसे मल्टीपल और डिवाइड कर दिया। अब आपके दिमाग में आना ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए ए के लिखा हुआ है ए माइनस बी और यहाँ पे ए प्लस बी हमने कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स टेंड टू 0 रूट का स्क्वायर दैट मीन्स रूट ऑफ 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर अपॉन में एक्स इन ब्रैकेट रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। ओके, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा तो ये जो रूट है ये खत्म हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन में x इन ब्रैकेट रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। देखिए यहाँ पे 2 एंड 2 कैसा हो गया, एलिमिनेट हो गया, रिमेनिंग रूट क्या बचा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन x इन ब्रैकेट रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। x एंड x कैंसिल, लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, ये पोर्शन बचा है। अब इसका फिर से लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्या अप्लाई लिमिट, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 2 दैट मींस 1 अपॉन 2 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सॉल्व इट। ये बहुत ही इजी मेथड होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद ये इजी है, उसके बाद फैक्टराइजेशन इजी है, देन आफ्टर फोर्थ पोर्शन है जो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट है। ओके, जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन रूट ऑफ a प्लस x माइनस रूट ऑफ a। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सेम मेथड है यहाँ पर, केवल इसी का रूट लिख दिया है, a के प्लेस पे क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बाकी सब क्वेश्चन सेम है। ओके, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x इनटू 0, यहां पे फिर से क्या करेंगे लिमिट x टेंड इनटू 0 x अपॉन रूट ऑफ a प्लस x माइनस रूट ऑफ a इनटू रूट ऑफ a प्लस x प्लस रूट ऑफ a,
अपॉन में रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ ए, इसे मल्टीपल और डिवाइड करेंगे। ओके अच्छा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट पुट करने पे जीरो बाई जीरो फॉर्म मिल रही है, इसलिए हम ये नहीं करते हैं। ये तभी करते हैं जब हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलती है, इसको बोलते हैं जीरो बाई जीरो फॉर्म, ऐसा हो गया इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसे इनडिटरमिनेट फॉर्म सेवन्स होती है, बट आपके सिलेबस में आपको केवल जीरो बाई जीरो फॉर्म दिया हुआ है, इसके लिए इसलिए क्वेश्चन को अप्लाई करना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन रूट ऑफ ए प्लस एक्स, अच्छा यहाँ पे क्या देखिए a प्लस एक्स दिया हुआ है प्लस रूट ऑफ ए, ये न्यूमरेटर में मल्टीपल कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखिए a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ a प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर। ओके देन लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x इन ब्रैकेट रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ a अपॉन में a प्लस एक्स माइनस ए, ए और ए कैंसिल आउट हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स इन ब्रैकेट रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ ए अपॉन में एक्स, ये एक्स और ये एक्स एलिमिनेट हुआ, क्या बचा हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ ए, देन अप्लाई करने के लिमिट को अप्लाई लिमिट क्या हो जाएगा रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ ए, दैट मीन्स आंसर इज टू टाइम्स रूट ए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके नोट कीजिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ओके थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे फिर से देखिए जीरो पुट करेंगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए, ए माइनस ए जीरो एंड यहाँ पर जीरो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है, जीरो बाय जीरो फॉर्म बनता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको फिर से आप उसको रेस्टराइज करोगे, क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन था हमारे पास और इसी को रेस्टराइज करते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके देन यहाँ पे रूट ऑफ दिस पोर्शन माइनस रूट ऑफ दिस पोर्शन और यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो रूट ऑफ रूट खत्म हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी a एंड प्लस बी, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये जो रूट है वो एलिमेंट हो जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इन ब्रैकेट रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आफ्टर दैट यहां पे देखिए ये a स्क्वायर और a स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एलिमिनेट हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मींस 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इन ब्रैकेट रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हुआ, क्या बचा हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अप्लाई करेंगे लिमिट को, क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से लिमिट को अप्लाई किया, टू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू अपॉन टू टाइम्स रूट ए, क्या होता है ए स्क्वायर मतलब ए हो जाएगा, दैट मीन्स टू ए, टू एंड टू का एलिमेंट हो गया, आंसर इज वन बाई ए। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रैशनलाइजेशन मेथड कब अप्लाई करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कब अप्लाई करते हैं एंड डिपेंडिंग क्वेश्चंस। ओके, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, इसी का जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल दैट मीन्स कि थोड़ा सा आपको माइंड दिमाग लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अभी देख क्या था, डायरेक्टली एलिमेंट कर रहे थे तो कैंसिल हो जाता था, अभी यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेन इंटू फोर एक्स स्क्वायर माइनस में 16 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 5। ओके, ये क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करने के लिए देखेंगे। अच्छा ध्यान से देखिए क्या करेंगे, जैसे मैंने 4 रूट किया था, अभी तक मैंने क्वेश्चन क्या पढ़े थे, 3 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, 3 क्वेश्चन में क्या था, लिमिट एक्सटेंड टू 0 था यहाँ पर, अब यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा तो फिर से हम वही करेंगे क्या, लिमिट को पुट करेंगे, पुट करेंगे क्या जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, यहाँ पे 4 का 16 फिर से वही मेथड क्या रैशनलाइज़ इस पोर्शन को, मैंने आपको बोला क्या कि रूट का जो पोर्शन है उसी को रैशनलाइज़ करेंगे, यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। ओके, देन आफ्टर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेन इंटू 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अपॉन में, यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 25 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 5 का स्क्वायर 25, देन लिमिट एक्स टेन इंटू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 5 अपॉन में, यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 कैंसिल आउट हो गया, फिर लिमिटिंग फोर्स क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड टू 4 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, अप्लाई कर देंगे लिमिट को, लिमिट को अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, दैट मीन्स 25 प्लस 5 5 plus 5, answer is 10. Okay, ये आपके स्टेप वाइज आंसर है, आपको ऐसे ही स्टेप्स को लिखना है और सॉल्व करना है। Okay, next question लेते हैं, यहाँ पर एक अच्छा सा question लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए रूट ऑफ एक्स प्लस 2a माइनस रूट ऑफ 3a अपॉन में रूट ऑफ 3a प्लस एक्स, रूट ऑफ 3a प्लस एक्स माइनस 2 टाइम्स रूट एक्स। ओके, ये क्वेश्चन है,
अब फिर से देखिए यहाँ पे दो बार रूल, न्यूमरेटर में रूट है और डिनोमिनेटर में रूट है, तो हमारे पास आपको बोला है क्या कि जीरो बाई जीरो फॉर्म मिल रही होगी, तब हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन का अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए ए रूट करेंगे इनटू रूट ऑफ थ्री ए माइनस रूट ऑफ थ्री ए माइनस क्या हो गया जीरो। यहाँ पे देखिए इनटू किया ए, यहाँ पे रूट ऑफ फोर ए हो गया, फोर ए बाई टेन में दैट मीन्स टू टाइम्स रूट ए एंड टू टाइम्स रूट ए, ये भी कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे फिर से रेशनलाइज। बट यहाँ पे बात आती है कि रेशनलाइज कितने टाइम बनाएंगे, यहाँ पे आपके रेशनलाइज न्यूमरेटर का भी अलग करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों के पोर्शन में क्या है जीरो बाई जीरो फॉर्म मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे भी रूट है, तो मैंने बोला कि जहाँ पर रूट होगा बीच में माइनस साइन होगा तो उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करेंगे लिमिट एक्स एन इंटू ए रूट ऑफ एक्स प्लस टू ए माइनस रूट ऑफ थ्री ए अपॉन में रूट ऑफ थ्री ए प्लस एक्स माइनस टू टाइम्स रूट एक्स, ये क्वेश्चन था, पहले मैं इसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, इसका न्यूमरेटर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस टू ए प्लस रूट ऑफ थ्री ए। देखो यहाँ पर मैंने इसको रेशनलाइज किया बट इसका जो डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रूट ऑफ एक्स प्लस टू ए प्लस रूट ऑफ थ्री ए, मल्टीपल है आप कहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैंने इसको रेशनलाइज किया, इसका रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा रूट ऑफ थ्री ए प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ सॉरी टू टाइम्स रूट एक्स, समझ में आया। फिर से देखिए यहाँ पे करेंगे इसका रेशनलाइजेशन यहाँ पे लिख देते हैं थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू टाइम्स रूट एक्स, ऐसा क्यों किया है क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ पे पास और पास पास में हो जाएगा क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो कंफ्यूजन नहीं होगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी क्या हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा एक्स प्लस टू ए माइनस थ्री ए, देखिए इसका स्क्वायर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स रूट स्क्वायर, रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल क्या देगा एक्स प्लस टू ए, रूट ऑफ थ्री ए का स्क्वायर रूट थ्री ए रूट कैंसिल क्या होता है हमारे पास थ्री ए, ओके यहाँ पे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी कैसे भाई रूट कैंसिल देगा क्या बचेगा हमारे पास थ्री ए प्लस एक्स माइनस फोर टाइम्स एक्स, फोर टाइम्स एक्स, ओके अब क्या है ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको ऐसे देते हैं 3a plus x plus 2 times root x upon में x plus 2a plus root of 3a and limit extend into a, okay फिर से देखिए यहाँ पे क्या बचा x minus a, x minus a क्योंकि यहाँ पे 2a minus 3a minus a and यहाँ पे 3a minus 3x 3 common कर लेते हैं a minus a x, यहाँ से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इस पोर्शन से किसे इस पोर्शन से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, माइनस साइन कॉमन लेके तो ये क्या बन जाएगा x माइनस a, क्यों कॉमन लिया तो सामने आ चुका होगा क्योंकि ये x माइनस से एलिमिनेट हो जाएगा रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 टाइम्स रूट x अपॉन में रूट ऑफ x प्लस 2a प्लस रूट ऑफ 3a एंड लिमिट x टेंड इनटू x माइनस ए, x माइनस ए एलिमिनेट हो गया, क्या बचा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस साइन रूट ऑफ 3a प्लस x प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ x अपॉन में रूट ऑफ x प्लस 2a प्लस रूट ऑफ 3a, ओके देन अप्लाई कर देंगे लिमिट को लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या देगा माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस ए आपको बताया कि क्या आएगा थ्री ए प्लस ए फोर ए फोर एट मीन्स टू टाइम्स रूट ए टू टाइम्स रूट ए प्लस टू टाइम्स रूट ए अपॉन में यहाँ पे देखिए रूट ऑफ थ्री ए प्लस रूट ऑफ थ्री दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा फोर रूट ए और ये हो जाएगा हमारे पास टू टाइम्स रूट थ्री इंटू रूट ए रूट थ्री इंटू रूट ए तो रूट ए कैंसिल टू से इसे कैंसिल कर देते हैं आप
ये अच्छा क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में रूट था और डिनोमिनेटर में भी रूट था, इसलिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना क्या करना था, डबल रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डबल रैशनलाइजेशन। ओके नोट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उसके आगे। ये आपको करना है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू फोर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू फोर एक्स माइनस सॉरी थ्री माइनस रूट ऑफ फाइव प्लस एक्स अपॉन में वन माइनस रूट ऑफ फाइव माइनस में एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस टू, रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस टू माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस टू। ओके ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन 2x minus 3 in root x minus 1 root x minus 2 root x minus 1 upon me 2x square plus x minus 3 2x square plus x minus 3। ये क्वेश्चन है, ये आपको थ्री क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और नहीं आते हैं तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके अब बात करते हैं हम लोग एक न्यू मेथड की, जो हमारे पास क्या था, इवेल्यूएशन ऑफ अल्जेब्रिक लिमिट्स बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। देखिए फोर्थ का पॉइंट था इवेल्यूएशन ऑफ अल्जेब्रिक लिमिट्स by using some standard limits। okay, तो इसमें हमारे पास बात आती है कि स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, जैसे कि एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है हमारे पास ये याद कीजिएगा, कि m is any rational number, m belongs to rational number, then limit x tending to a, x is to n minus a is to n upon में x minus a equal to होता है n a is to make n minus a। ये कैसे होता है मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा आपके दिमाग में क्या होगा, आपने ये पढ़ा है कि x square minus a square क्या होता है, क्या होता है, ये होता है x minus में a और x plus में a, पढ़ा है ना आपने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, x cube minus a cube क्या होता है, क्या हो जाएगा, x माइनस a इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, पढ़ाए आपने। फिर बात करते हैं x रेज़ टू 4 माइनस a रेज़ टू 4। अब आप बोलेंगे कि सर आपने बताया नहीं है तो उसको ना मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, x रेज़ टू 4 माइनस a रेज़ टू 4 क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर में स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में स्क्वायर ले सकते हो। आप जैसे मैंने इसको करेंगे क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके आप ध्यान से ये फिर से बन गया हमारे पास, इसको क्या लिखेंगे, एक्स माइनस में ए और एक्स प्लस में ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे भी जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक्स माइनस ए को मैं ऐसे रखता हूँ और इसको मल्टीपल कर देता हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए। अच्छा इसको देखकर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए
कि क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, x माइनस में ए, यहाँ पे जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब, ये बन रहा है। अच्छा आपको एक बात देखिए समझ में आ रही है, यहाँ पे पावर टू थी तो एक्स माइनस ए और यहाँ पे एक पावर है एक पावर है, यहाँ पे क्यूब थी तो एक्स माइनस ए को तो बाहर निकालना ही है, साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा एक पावर कम हो जाएगी और एक एक पावर कम होती जाएगी, डिक्रीज हो रही है पावर, एक एक पावर कम हो रही है, यहाँ पे एक्स क्यूब है स्क्वायर है एक पावर कम हुई और एक ए आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए पावर फोर है क्या जाएगा एक्स माइनस ए बाहर कर गया, रिमेनिंग क्या बताया पावर वन पावर लेस कर दो थ्री, थ्री के बाद में आएगा टू, टू के साथ में एक ए आ जाएगा, टोटल पावर थ्री रहेगी तो टू उसकी और एक ही वन टोटल थ्री है, यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर क्यों क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स आएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स और पावर कितनी कम हो गई है तो कौन सी क्या हो जाएगी ए स्क्वायर की दो पावर रहेगी फिर क्या क्यू हो जाएगा, इस तरीके एक्स रेज़ टू फाइव को क्या हो जाएगा एक्स फाइव जाएगा एक्स माइनस में ए और यहाँ पर एक्स रेज़ टू फोर प्लस एक्स क्यूब ए प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स इन ब्रैकेट ए क्यूब प्लस ए रेज़ टू में फोर, ये तो बन जाएगा। फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ए माइनस एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, यहाँ पे पावर में थ्री है यहाँ पे एक्स माइनस ए को बाहर करेंगे, मतलब कहने का है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए रेज़ टू फोर माइनस बी रेज़ टू फोर या फिर एक्स फाइव माइनस बी रेज़ टू फाइव हो, हमें एक्स माइनस ए को बाहर निकालना, मैंने सब में क्वेश्चन बाहर निकाला, रिमेनिंग क्या बचा है हमारे पास एक पावर लेस हो जाएगी क्यूब का एक पावर लेस स्क्वायर ए एक पावर कम करेंगे एक्स इन टू ए प्लस ए स्क्वायर, पावर फोर का क्यूब स्क्वायर एक्स जीरो, जो काम हो रहा है उतना ही आ रहा है, जितना हमारे पास पावर लेस हो रही है उतनी ही ए हमारे पास आते जा रहा है, यहाँ पे देखिए फाइव एक्स माइनस ए पावर में फोर थ्री एक के पावर फोर से एक पावर कम हुई एक ए आ रहा है, यहाँ पे टू है टू पावर कम हो रही है ए स्क्वायर आएगा, थ्री प्लस हो गई एक्स आई हमारे पास थ्री एक पावर लेस हो गई ए क्यूब आ गया लास्ट में ए रेज़ टू, तो इससे हमें ये समझ में आया कि मैं एक्स रेज़ टू एन क्यूब कह सकता हूँ, एन एक्स माइनस ए यहां पे क्या हो जाएगा एक्स रेज़ टू एन माइनस वन होगा प्लस एक्स रेज़ टू एन माइनस टू इन टू ए एक पावर कम की एक ए आ गया फिर एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए स्क्वायर ओके फिर एक्स रेज़ टू एन माइनस फोर ए रेज़ टू थ्री प्लस एन फोर लास्ट में क्या होगा ए रेज़ टू में एन माइनस टू इन टू एक्स प्लस ए रेज़ टू में एन माइनस वन यही तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पावर पूरी नाइन है सॉरी टेन है एक्स माइनस ए एक पावर को लेस कर दिया एक्स माइनस ए फिर एन माइनस वन हो गया एन माइनस टू ए एन माइनस थ्री ए स्क्वायर एन माइनस फोर ए क्यूब एन माइनस टू इन टू एक्स की पावर वन एन माइनस वन ए की पावर एन प्लस वन ओके आपको कैसे पता करना है इन दोनों पावर्स को सम कर दो एक्स एक बार कितना है वन एन माइनस टू प्लस वन एन माइनस वन है हमारे पास एन माइनस थ्री प्लस टू एन माइनस वन एन माइनस फोर प्लस थ्री एन माइनस वन एन माइनस टू वन एन माइनस वन और एन माइनस टू ओके। अब मैं इस पावर को यहाँ पे डिवाइड कर दूँ ये क्वेश्चन रन कर दो मैं क्या किया इस पावर को यहाँ पे डिवाइड कर दिया क्या हो जाएगा एक्स रेज़ टू एन माइनस ए रेज़ टू वन अपॉन में एक्स माइनस ए रिमेनिंग पोर्शन क्या बचेगा ये पोर्शन बचेगा इसको लिखा मैंने एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू इंटू ए एन माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर एन माइनस फोर इंटू ए क्यू एंड सो ऑन एन एक्स इंटू ए रेज़ टू में एन माइनस टू प्लस ए रेज़ टू में एन माइनस वन। अब क्वेश्चन में क्या था हमारे पास ए पोर्शन था बट लिमिट है एक्स इंटू ए लिमिट लगा देते हैं साइड लिमिट एक्स टेंड इनटू ए एक्स रेज़ टू एन माइनस ए रेज़ टू एन अपॉन में एक्स माइनस ए यहाँ पे क्या देगा लिमिट एक्स टेंड इनटू ए एक्स रेज़ टू एन माइनस वन एक्स रेज़ टू
n minus 2 into a, n minus 3 into a square, and so on, x into a raised to make n minus 2 plus a raised to make n minus 1. अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से ए अप्लाई कर, ए रेस टू में एन माइनस वन प्लस ए रेस टू में एन माइनस टू इन टू में ए प्लस ए रेस टू में एन माइनस थ्री इन टू में ए स्क्वायर प्लस ए रेस टू में एन माइनस फोर, यानी हमारे पास यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट ही, अगर बीच में ये क्वेश्चन आ रहा होगा हमारे पास ए इंटू एक्स रेस टू एन माइनस टू प्लस ए रेस टू में एन माइनस वन, देखो बेस सेम है, पावर एड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास ए रेस टू में एन माइनस वन प्लस ए रेस टू में एन माइनस वन प्लस ए रेस टू में एन माइनस वन प्लस एन सो ऑन प्लस ए रेस टू में एन माइनस वन प्लस ए रेस टू में एन माइनस वन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कितनी बार लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है समझ में आ रहा होगा। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पावर कितनी थी एन माइनस वन, एक्स की पावर ए की पावर कितनी थी जीरो, यहाँ पे ए की पावर जीरो, यहाँ पे ए की पावर एन माइनस वन, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास जीरो से लेके एन माइनस वन एन टर्म्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा एन इन ब्रैकेट, यही है हमारे पास इसका डेरिवेशन, और ये हम अप्लाई करेंगे कब, जब इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तब। ओके नोट कीजिए, रख कर दो इसको, क्वेश्चन लेते हैं इसके इस टाइप के, हमें हर क्वेश्चन में ये पूरा अप्लाई नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये आता कैसे है, आपको डायरेक्टली वहाँ पे जैसे ये फॉर्म मिलेगा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ पे अप्लाई कर देना है, सॉरी फॉर्म होगा। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स टू टेन माइनस वन जीरो टू फोर अपॉन में एक्स माइनस टू। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेन इंटू टू एक्स रेस टू टेन माइनस टू रेस टू टेन लिखा हुआ है और एक्स माइनस टू, मैंने आपको बताया कि आप लिमिट एक्स टेन इंटू ए आप ये पुट करके देखो क्या आ रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ लिमिट ऑफ अलजेब्रिक लिमिट बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट लगाएंगे। ओके मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था क्या, सिंस लिमिट एक्स टेंड इनटू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन और एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए रेस टू में एन माइनस ए। ओके यहाँ पे देखिए एक्स रेस टू में एन की वैल्यू क्या है हमारे पास टेन है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है टू है, और सॉल्व करना है तो 2 रेस टू 9 को आप लिख सकते हो 512 इनटू 10 दैट इज आंसर इज 5120। ओके मगर आप यहां भी छोड़ोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। ओके ओके जी, अब थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम टाइम पे सेम मेथड है, कुछ नहीं करना है आपको, अप्लाई करना है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे x माइनस टू था वहाँ पे x रेस टू 5 माइनस 32। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है, सेम वही लिखना है कि आप लिमिट x टेंड टू 2 इसको लिखना पड़े x रेस टू 10 माइनस 102 4 को लिख दिया 2 रेस टू 10 अपॉन ये यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लिखा x रेस टू 5 माइनस 2 रेस टू 5 32 लिख सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने x माइनस टू से डिवाइड किया, यहाँ पे मैंने x माइनस टू से डिवाइड किया, एनी प्रॉब्लम?
यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू टू x रेस टू 10 माइनस 2 रेस टू 10 अपॉन में x माइनस 2। अब इस पोर्शन को मैंने ऐसा लिख दिया 1 अपॉन x रेस टू 5 माइनस 2 रेस टू 5 और इस पोर्शन को इसके डिनोमिनेटर में लेके आ गए x माइनस 2। तो ये पोर्शन हो गया fx अपॉन में gx, fx अपॉन में gx। तो लिमिट क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x रेस टू 10 माइनस 2 रेस टू 10 अपॉन में x माइनस 2 अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 2 x रेस टू 5 माइनस 2 रेस टू 5 अपॉन में x माइनस 2। ये हो गया हमारे पास लिमिट। अब इसके लिए जाएगा हमारे पास 10 इन ब्रैकेट 2 रेस टू में 9, यहाँ पे जाएगा 5 इन ब्रैकेट 2 रेस टू में 4। तो 5 कैंसिल जाएगा 2 टाइम्स 2 से ये कौन कम होगी, तो 2 इंटू 2 रेस टू 9 माइनस 4 दैट मीन्स 2 इंटू 2 रेस टू 5 दैट मीन्स 2 रेस टू 6 2 रेस टू 6 से 64। ओके आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि कब कैसे अप्लाई करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9 एक्स रेस टू 3 बाई 2 माइनस 27 एक्स रेस टू 3 बाई 2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9। ध्यान से देखिए मैंने 9 पुट कर दी, ये मेरा 9 9 में लिखेंगे 3 का स्क्वायर तो 3 का 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कितना होता है 27 एंड 9 माइनस 2 इसका भी हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म होगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है लिमिट x इनटू k x रेस टू n माइनस a रेस टू n, इसको क्या लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे क्या, 9 रेस टू 3 बाय 2 9 रेस टू 3 बाई 2 क्यों, क्योंकि वह एक्चुअल में क्या लिखा था 3 रेस टू 3 लिखा था, मैंने वहाँ पे 2 से मल्टीपल किया और 2 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि ये n की वैल्यू क्या लिखी है 3 बाई 2, तो यहाँ पर भी हमें 3 बाई 2 ही बनाना होता है। अब यहाँ पर हमने राइट लिख जाएगा क्या 3 बाई 2 n इन ब्रैकेट a n इंटू k रेस टू n माइनस 1 राइट, ये हो जाएगा हमारे पास 3 बाई 2 इंटू 9 रेस टू 1 बाई 2, 9 रेस टू 1 बाई 2 का मतलब हो गया 9 का स्क्वायर रूट दैट मीन्स 3 बाई 2 इंटू में 3 दैट मीन्स 9 बाई 2 आपका आंसर हो गया। ओके बहुत सिंपल है, आपको एक फॉर्मूला याद करना है लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस a रेस टू n अपॉन में सॉरी लिमिट x रेस टू n माइनस a रेस टू n लिमिट x इनटू a x रेस टू n माइनस a रेस टू 1 अपॉन में x माइनस a वो होता है n इनटू a रेस टू n माइनस 1। नेक्स्ट देखिए ठीक है लिमिट x टेंडिंग टू a ये क्वेश्चन आपको करने लिखने जा रहा हूँ मैं अभी एक्स रूट एक्स माइनस ए रूट ए अपॉन में एक्स माइनस ए। सेकेंड क्वेश्चन लिमिट एक्स रेस टू ए एक्स रेस टू एम माइनस ए रेस टू एम अपॉन में एक्स रेस टू एम माइनस ए रेस टू एम। थर्ड क्वेश्चन लिमिट एक्स टेन इंटू टू x माइनस टू अपॉन में क्यू रूट ऑफ x माइनस क्यू रूट ऑफ थ्री क्यू रूट ऑफ x माइनस क्यू रूट ऑफ थ्री सॉरी टू। फोर्थ क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू जीरो वन प्लस x रेस टू में n माइनस वन अपॉन में x। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू a x प्लस 5 रेस टू में
सॉरी x प्लस टू रेस्ट में 5 बाई थ्री माइनस ए प्लस टू रेस्ट में 5 बाई थ्री अपॉन में x माइनस ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये नोट कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन अच्छा है इसको मैं कराता हूँ। सेम मेथड से डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, थोड़ा सा आपको केवल थोड़ा सा चेंजमेंट मिलना है क्वेश्चन में, केवल क्वेश्चन को देखकर, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x raised to 4 minus 1 upon में x minus 1 equal to limit extending to k x raised to cube minus k cube upon में x minus k sorry x square minus k square। ये क्वेश्चन ओके ये क्वेश्चन दिया होगा आपको, बोला है कि ये इक्वल दिए हुए हैं दो लिमिट्स, आपको के की वैल्यू बतानी है, मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बतानी है। तो अभी मैंने क्या किया था, इसको डायरेक्टली लेंगे पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x रेज़ टू 4 माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन में क्या था हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। मैंने न्यूमरेटर में x माइनस k से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी x माइनस k से डिवाइड किया। ओके ये फंक्शन था हमारे पास, मैंने इस क्वेश्चन को अलग किया, इस क्वेश्चन को अलग, तो यहाँ पे एफ एक्स अपॉन जी एस फॉर्म आ गया, लिमिट सेपरेट हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू k x रेज़ टू 3 माइनस k रेज़ टू 3 अपॉन में x माइनस k अपॉन में लिमिट एक्सटेंडिंग टू k x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन में x माइनस k। ओके ये बस समझ में आ गई होगी आपको, इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 सॉरी 1 x रेज़ टू 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस k। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, x रेज़ टू n माइनस k रेज़ टू n अपॉन में x माइनस k, दैट इज n इन ब्रैकेट 1 रेज़ टू 3 n इन ब्रैकेट 1 रेज़ टू 3। अच्छा यहाँ पे देखिए ना, से यहाँ पे क्या जाएगा n इन टू k रेज़ टू में 2 अपॉन में यहाँ पे क्या जाएगा 2 इन ब्रैकेट k रेज़ टू में 1। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू है 3 3 a रेज़ टू a की वैल्यू क्या है k a रेज़ टू में n माइनस 1 3 माइनस 1 2 यहाँ पे पावर कितनी है 2 k रेज़ टू में, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है k तो k रेज़ टू में 2 माइनस 1 1 देन यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे 4 इक्वल टू 3 बाई 2 के स्क्वायर बाई के k हो जाएगा, देन k की वैल्यू आ गई हमारे पास क्रॉस मल्टीपल 8 बाई 3। ओके ओके नोट कीजिए और ये आपका आंसर होगा। ओके आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का पोर्शन। तो लास्ट पॉइंट है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतने रखते हैं। और आपसे मैं बोल रहा हूँ कि डेली टू डेली मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो पास पढ़ाए जाते हैं, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके अदरवाइज ये चैप्टर बाउंस होगा, आगे जो चैप्टर आने वाले हैं वो भी बाउंस होंगे, क्योंकि अब जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला है उसके बाद में वो इसी पर डिपेंडेंट है, जैसे ये फंक्शन पे डिपेंडेंट था थोड़ा सा, अब फंक्शन से चैप्टर थोड़ा सा बाकी है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन वगैरह, तो आपको वहाँ पर समझ आएगा कि फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर कहाँ से यूज़ करते हैं। ओके तो ये जो लिमिट चैप्टर है उस पर डिपेंडेंट चैप्टर है, कंटिन्यूटी
डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो चैप्टर्स हैं ये पूरा का पूरा कैलकुलस, फुल जो कैलकुलस है हमारे पास वो लिमिट या ही लिमिट एंड फंक्शन पर ही डिपेंडेंट है। ओके, तो आपको बार बार बोल रहा हूँ डेली आपको मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चंस करने हैं और मैक्सिमम आपको जितना हो सकता है उतना कीजिए। मिनिमम 5 to 10 क्यों बोल रहा हूँ कि अगर इस चैप्टर पे आपने 5 to 10 क्वेश्चंस किए, इस टॉपिक पे 5 to 10 क्वेश्चंस किए, 5 to 10 क्वेश्चंस इस टाइप टॉपिक पे, इसके पहले वाले टॉपिक पे, रैशनलाइजेशन पे, एक्सपोनेंट्स फैक्टराइजेशन पे, डैश सिचुएशन पे आपने क्वेश्चंस किया, तो वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।